खिलाफत उस्मानिया के खलीफा सुल्तान मुराद की आदत थी कि अपने दादा उस्मान गाजी और वालिद और हान गाजी की तरह बेस बदल कर आवाम की खबरगिरी करता था उसने एक रात अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को कहा कि चलो कुछ वक्त लोगों में गुजारते हैं शहर के एक किनारे पर पहुंचे तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है बादशाह ने उसे हिलाकर देखा तो मुर्दा इंसान था लोग उसके आस पास से गुजर कर जा रहे थे बादशाह ने लोगों को आवाज़ दी इधर आओ भाई लोग जमा हो गए और वो बादशाह को पहचान ना सके पूछा क्या बात है बादशाह ने कहा आदमी मरा पड़ा है उसको किसी ने क्यों नहीं उठाया कौन है ये और इसके घर वाले कहाँ हैं लोगों ने कहा यह बहुत बुरा और गुनाहगार इंसान है तो सुल्तान मुराद ने कहा क्या ये उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से नहीं है चलो इसको उठाएं और उसके घर ले चलें लोगों ने मैयत घर पहुंचा दी उसकी बीवी ने खावन की लाश देखी तो रोने लगी लोग चले गए बादशाह और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज वही औरत का रोना सुनते रहे वो कह रही थी मैं गवाही देती हूँ बेशक तू अल्लाह का वली है और नेक लोगों में से है सुल्तान मुराद बड़ा मतजुब हुआ ये कैसे हो सकता है लोग तो इसके बारे, बारे में ये बातें कर बाते बाते रहे थे और इसकी मैय को हाथ लगाने को तैयार ना थे उसकी बीवी ने कहा मुझे भी लोगों से यही लोग तो असल हकीकत यह है कि मेरा खावन हर रोज़ शराब खाने जाता जितनी हो सके शराब ख़रीदता और घर लाकर गड़े में बहा देता और कहता कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ इसी तरह रात को एक बुरी औरत के पास जाता और उसको एक रात की उजरत दे देता और उसको कहता कि अपना दरवाज़ा बंद कर ले कोई तेरे पास ना आए घर आकर कहता अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों का मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया है लोग उसको इन जगहों पर आता जाता देखते थे मैं उसे कहती थी कि याद रख जिस दिन तू मर गया लोगों ने तुझे गसल देना है और ना तेरी नमाज पढ़नी है और ना तुझे दफनाना है मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबराना मत तू देखेगी मेरा जनाजा वक्त का बादशाह और उलिया पड़ेंगे ये सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा मैं बादशाह सुल्तान मुराद हूँ चुनाचे उसका जनाजा बादशाह अलिया और कसीर आवाम ने पढ़ा सुबहान अल्लाह माशा